मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पर दीपक आता अभी नहीं बढ़े, ठीक है। तो अभी जा यहाँ पर आटा घूम रही है और ज्योति यहाँ पर कचरा निकाल रही है अभी तो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज अभी मैं जस्ट उठा हूँ, वीडियो अपलोड किया तो आज तो नल आ रहे थे इसीलिए नली फान दी। तो अभी चलते हैं, पानी भरना है। तो अभी तो कल का वीडियो भाई काफी अच्छा बना, पूरा मस्त एकदम। तो गाइस अभी हम दीपक और हम दोनों बैठे हुए हैं। तो अभी मैंने देखा कि मैंने जैसे वो माय फर्स्ट व्लॉग वाला वीडियो डाला तो उसमें भर भर के कमेंट आए, दो तीन कमेंट एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट आए। एक तो रवि हरियाणवी व्लॉग जिसने बताया कि आपके मेरे पापा मम्मी दादा दादी चाची चाची सभी जने वीडियो देखते हैं। तो गाइस आप सभी का प्यार है इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो और देखा राहुल मालपुर व्लॉग, तो भाई उसका भी व्लॉग काफी अच्छा है और मैंने सभी का व्लॉग देखा जो कि काफी भाई अच्छा अच्छा बनाते हैं, आप ही से सीखना मिल रहा है धीरे धीरे। तो गाइस आप सभी का आशीर्वाद है तभी से आगे बढ़ रहे हैं हम। और रवि हरियाणवी व्लॉग में भाई काफी अच्छा कमेंट बना है भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उनका भी व्लॉग हमने देखा, उनका दीपक कुछ बोलना चाहता है उनके लिए। मैंने उसका व्लॉग ही मुझे तुमने बताया नहीं। अच्छा हाँ, इसने अभी देखा ही नहीं, मैंने अकेले देखा। मुझे बताओगे? हाँ बताऊंगा वो। चल तो ठीक है भाई, अभी पानी भरते हैं तो फिल मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी फिलहाल नल लगा दी है तो इस तरफ से नली आ रही जो सीधा इसके अंदर, और जो ये वाली नली है जो कि वो जा रही सीधा ज्योति पानी भर रही है वहाँ पर। जो दीपक का भी अभी स्कूल चल रहा है एकदम। अब तो हो चुकी है, अब परीक्षा हो चुकी है। अब स्कूल जाओ या ना जाओ? अब कौन सी क्लास में? अब साथी में। छठी में कितने परसेंटेज बनेंगे बता देगा एक अंदाजे से? मुझे नहीं पता भाई, मैंने इनसे हर पेपर में पूछा है घर पे आकर वापिस, तो इसमें आधे से ज्यादा बोला है मैंने छोड़ के आया और सिर्फ आधे प्रश्न उत्तर किए। तो भाई जो सिंपल होते एक एक नंबर के उसने वो सब किए न, बड़े बड़े प्रश्न उत्तर थे जो सब छोड़ के आया परीक्षा में। है दीपक एकदम प्रो आदमी यार। तो गाइस अभी फिलहाल ज्योति यहाँ पर बर्तन माज रही है तो साथ में पानी भी भरा रहा है। तो गाइस अभी ज्योति जा रही है अपने कंप्यूटर कोर्स के लिए पढ़ाई करने, तो उसका कोर्स नादवरा हो रहा है अभी। तो गाइस अभी दीपक और ज्योति दोनों चले गए, दीपक गया अपने स्कूल और ज्योति भी गई अपने कंप्यूटर कोर्स, नादवरा जाती है पढ़ने के लिए वो भी चली गई, और मैं और पूनम अभी घर पे रह गए अकेले। पूनम तो ऊपर अपना काम कर रही है तो मैं फिलहाल अभी नीचे हूँ। तो अभी यहाँ पर नल तो अभी तक नहीं गए क्योंकि नल पूरा एक घंटा हो चुका है, लगभग सवा सात साढ़े सात आते हैं तो अभी साढ़े आठ बजे पूरा एक घंटा तक नल आते हैं। तो अभी फिलहाल नल आ रहे हैं तो एक बार ये वाला नल तो बंद हो चुके हैं, अब ये वाला आखिरी है जो कि थोड़ी देर और जा रहा है, अब लगभग पाँच दस मिनट और आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, फिर चलते ऊपर। अभी तो भूख लग रही है तो खाना बनेगा तो अभी खाना खाते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल पानी तो भर दिया है और अभी पेपर ले लिया और पानी का बर्तन ले लिया दोनों, तो अभी चलते ऊपर फटाफट। तो गाइस अभी हमारे यहाँ पर सफेदी सुखा दी है तो अभी ये काम और करना है, काम बढ़ता रहता है कम नहीं रहता अभी तो। और फिलहाल अभी पूनम रोटी बना रही है क्योंकि आज सिर्फ मेरे लिए रोटी बना रही है क्योंकि आज पापा और मेरे लिए आज तो वापिस पूनम और मम्मी के आज व्रत है क्योंकि आज सोमवार है और ये महादेव जी का व्रत रहते हैं, तो भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहेगी इनके ऊपर। तो ये दोनों व्रत हैं और मैं और पापा के लिए रोटी बना रही है। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैंने खाना खा लिया है तो अभी पानी भरते हैं तो सीधा गाय को पानी पिलाने के लिए चलते हैं। अभी गाय को पानी पिलाने के अभी आ चुका हूँ घर पे तो अब चलते ऊपर। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ करजेगढ़ी जा को छोड़ने के लिए क्योंकि अभी मेरी दादी है वो एक प्रोग्राम में जा रही है क्योंकि नादवरा के पास ही में गांव में, तो वहाँ पर तो जा अकेले जाएंगे। तो मेरा भी घर पे थोड़ा बहुत काम था बाकी मैं भी देता, पर अब मैं जा को छोड़ के आ जाता हूँ। Thank you.
गाइस अभी चाको कर्जगड़ी छोड़ के आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं घर पे क्योंकि अभी गर्मी बात बहुत खतरनाक गर्मी है, तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी मैं दीपक और भुआसा हमारे घर देखने के लिए आए, नया घर बन रहा है। तो अभी ये रहा हॉल जो कि हमारी या तो इस तरफ है निशानी सीढ़ी। तो अभी हम आए हॉल के अंदर जो कि ये पूरा हॉल है जो कि यहाँ स्टार्टिंग से पूरा एंड तक है, ये पूरा हॉल है। तो अभी अब हम आए फर्स्ट वाले कमरे में जो कि ये है पहला कमरा। तो गाइस अभी हमारे नए घर का फिलहाल काम पूरा हो चुका है। हाँ बस घड़ी घड़ी। तो गाइस अभी आपने घर देख लिया होगा, हमारा नया घर बन रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में क्योंकि आज खेत की बाजरे की पिलाई करनी बाकी से है, तो अभी बाकी है तो पिला देते हैं। तो अभी मम्मी आ रही है, थोड़ा घर के सभी मेरे कपड़े वगैरह सब लेके आ रही, जब कपड़े भी धो लेगी और बाजरे की पिलाई भी हो जाएगी। तो गाइस मैं कहना चाहता था कि जो भी नए लोग हैं तो वो मेरा वीडियो देखकर देखना चाहते हैं रेगुलरली, वैसे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ और रेगुलर देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे मेरी हर वीडियो आएगी आपको सीधा देखने को मिल जाएगी। और जो भी आज तो बहुत सारे कमेंट आए नए नए ब्लॉगर के, तो गाइस थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अभी तो बहुत काम बाकी। तो गाइस मैं भी पहुंच चुका हूँ खेत में। तो इस तरफ हमारे बाजी का मंदिर जो कि हर शनिवार को हमारे यहाँ पर सेवा होती है, जो कि सेवा कराने मैं भी आता हूँ। और इस तरफ लगी हुई है हमारा मोटर जो कि हमें पानी उस तरफ भेजना है, तो अभी मोटर चालू करता हूँ और इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर रास्ता बंद करके इस तरफ खोल देता हूँ। फिलहाल अभी मोटर स्टार्ट कर दिए क्योंकि यहाँ पर पानी भरा रहा है अभी। तो इस तरफ भी पूरा रास्ता खोल दिया है तो भरा के सीधा इस तरफ बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे खेत की तरफ। तो गाइस अभी मैं आपको अपने खेत का एरिया बताता हूँ जो कि इस तरफ तो पूरा रास्ता है हमारा उस तरफ बाजू के जाने का। तो गाइस यहाँ पर देखो बहुत सारे पेड़ पौधे चारों ओर, यहाँ से पूरी स्टार्टिंग है, पूरे चारों पेड़ पौधे ऊपर की तरफ एकदम। आज तो बारिश का मौसम तो लगता है थोड़ा बहुत हो रहा है, पर इतना नहीं हो रहा है, थोड़े थोड़े बादल है, एकदम आसमान जैसा काफ़ी ज़्यादा ब्लू है। तो एकदम हमारा खेत वहाँ पर है। तो गाइस इतना कुछ मस्त एरिया है जहाँ पर हमारे खेत है। तो अभी तो मम्मी यहाँ पर कपड़े धो रही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले हम यहाँ पर काफी मजे करते थे, जो कि इस तरह ऊपर की तरफ यह टहनी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पहले हमने लगभग 6 महीने पहले हमने यहाँ पर झूला लगाया था जो कि पूरा हाँ इसके लेवल तक था, तो पूरा एकदम झूले में झूलते थे, पर हमारे रस्सी चाहिए थी तो इसलिए हमने झूला पूरा खोल दिया था। तो गाइस जो भी मुझसे नए नए लोग जुड़े हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत मन करता है कभी कभार कहीं पर ट्रिप करने का, यहाँ पर कहीं पर घूमने जाने का। तो कहाँ पर घूमने जाना है तो इसको कोई सजेशन दे सके तो भाई कोई कमेंट करना कि कौन सी जगह अच्छी है कहाँ से जाने का। बाय द वे जिसको भी मेरा पता नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ राजसमंद के नाथद्वारा के पास में, नाथद्वारा लमसम यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है हमारे। तो मैं रहता हूँ नांदोड़ा गाँव में जो कि बहुत कम लोगों को पता है, इतना किसी को पता नहीं है। तो आज मैंने बता दिया मेरे घर का पता, तो वही मैं नांदोड़ा में रहता हूँ जो राजसमंद राजस्थान में है, तो मैं पूरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। गाइस अभी फिलहाल तो मैं घर पे जा रहा हूँ, अभी काम तो नहीं हुआ, अभी तो मम्मी चली गई है खेत में। तो अभी मेरे को क्या अभी गर्मी लग रही है इसलिए प्यास लगी है, तो अभी जाता हूँ घर पे पानी में भी पीता हूँ और मम्मी के लिए भी लेके आता हूँ वापिस। तो गाइस अभी ये देखो पानी जा रहा है, तो अभी पानी भरा रहा है, तो आज बाजरे की पिलाई करने के लिए मैं आ गया। तो आज तो देखो नीचे पूरा एकदम ठंडा हो, एकदम बर्फ जैसा पानी आ रहा है, न ऊपर से पूरी लू बरस रही है, गरम गरम हवा आ रही, तो कहीं बीमार ना हो जाऊं प्ले करते करते। हैं दीपक पूनम और ज्योति
तीनों में नाटक देखने आ गए। मतलब ये तो ऐसे आए थे क्योंकि आज हमारे घर पे बन रहे हैं, मतलब क्या बने, आलू के पराठे बन रहे हैं पराठी। तो बस यहाँ पर तो दूध गर्म हो रहा है, तो अभी मैं नीचे बाल्टी भर लेता हूँ। तो अभी हम चलते हैं गाय को पानी पिलाने के लिए। तो गाइस अब मैं आया हूँ गाय को पानी पिलाने के लिए, जो कि एक गाय यहाँ पर, और अभी यहाँ पर इसको पानी पिला दिया। और अभी शाम के समय सूर्यास्त हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, मस्त है यहाँ पर। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो मम्मी यहाँ पर गाय को चराने के लिए बैठ चुकी है, तो अभी हम बाहर रहते हैं और जल्दी चलते हैं। अभी तो सूर्यास्त हो चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है, तो अभी चलते घर पे। और अभी मैं जैसे घर पे आया तो पूनम यहाँ पर बना रही है आलू के पराठे, जो कि आज पहली बार बन रहे हैं हमारे घर में, तो पहली बार ही हमारे लोग वीडियो के सामने, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी उस तरफ रहे आलू, जो कि पूरे मसाला सब डाले हुए हैं, और इस तरफ है आटा, जो कि रोटी में लेके आलू डाल के फिर ऊपर सेक रही है, वो भी चूल्हे पे। ये तो वैसे गैस पे बन सकते हैं, पर आज तो वैसे हमारा गैस ख़त्म हो गया, तो इसी हाँ थोड़ा सा रह गया बस, तो इसीलिए आज चूल्हे पे बनाना पड़ रहे, वैसे फर्स्ट बार है ये तो। तो गैस अभी तो पूरी शाम हो चुकी है, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ। अभी तो घड़ी कितनी बजी है, एक बार मैं घड़ी देख लेता हूँ। अभी घड़ी बज रही है लगभग 7:45। तो अभी मैंने पूनम ने जो आलू के पराठे बनाए थे वो मैंने फर्स्ट टाइम खाए, तो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए एक लिया था, तो काफ़ी भाई अच्छा बना था, पूरा खाया एकदम। तो फ्रामटा आलू के पराठे काफ़ी अच्छा बना। और आज हमारे महादेव जी के भी जाने की थी, पर आज तो जा नहीं सके क्योंकि आज मम्मी के भी नहाना था, तो अंधेरा काफ़ी हो गया था इसीलिए रहने दिया। तो अब देखते हैं, अब पूनम अपना व्रत खोल रही है, मम्मी नहा के आती है, वो भी अपना व्रत खोलेगी, तो फिर खाना खाते हैं वापस। तो गाइस अब जाके मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब कब बैठूँगा वीडियो एडिटिंग के लिए। तो गाइस आई होप आज का व्लॉग वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते से देख कल के व्लॉग वीडियो में, और जो भी नए लोग हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो भी मुझे नए लोग मिले उन्होंने मुझे कमेंट किया, तो भाई उनके लिए थैंक यू, और उनके लिए भी है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते सीधे कल के व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए भी बाय बाय।